देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। चुनावों के नतीजों के बाद से ही देखा जा रहा है कि हाहाकार विपक्षी पार्टी में मच चुकी है। एक के बाद एक दूसरे नेता का अपने इस्तीफे का ऐलान करना ये विपक्षी पार्टी की कमजोरी को भी झलकाता देखा जा रहा है। हमने आपको बताया ही था किस तरह से जब 23 मई को नतीजे सामने आए और बहुमत से सत्ता में आई भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दूसरी बारी प्रधानमंत्री बनने का ऐलान हो गया, तो ऐसे में उसी शाम को राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पर अपने अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए अपने इस्तीफे को जारी कर दिया था। खैर, यहां पर यही गर्मोगर्मी देखी जा रही है कि क्या राहुल गांधी अपने पद को छोड़ेंगे। जिस तरीके से वो अपने इस्तीफे को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस बारी बुरी तरह फंसते हुए देखे जा रहे हैं। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने इतने ज्यादा जोशीले अंदाज में चुनावों के दौरान स्मृति ईरानी से एक ऐसी बात कह दी थी, एक ऐसा चैलेंज उन्होंने कर दिया था, जिससे अब उसी चैलेंज में वो बुरी तरह फंसते हुए देखे गए। कहते हैं कि जुबान से निकली बात और बांध से निकला हुआ तीर कभी ताउम्र वापस नहीं आता। ऐसा ही कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ओपन चैलेंज किया स्मृति ईरानी को कि अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी से हरा देंगी तो वो ये राजनीति को छोड़ देंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अमेठी गढ़ कांग्रेस का कहलाया जाता है, मगर उसके बावजूद भी यहां से राहुल गांधी के हाथ हार लगी और स्मृति ईरानी ने यहां पर जीत को दर्ज किया। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सोशल मीडिया से लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तक ये बात कह रहे हैं कि यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पंजाब में उनकी हार हुई है। काफी ज्यादा ही हाहाकार देखी जा रही है, काफी ज्यादा ही तमाम ऐसे मुद्दे उठते हुए विपक्षी पार्टी के दौरान देखे जा रहे हैं। हार के बाद क्या कुछ चल रहा है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के नेता जो बुरे तरीके से अपने शब्दों में फंस चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावों के दौरान साफ तौर पर कहा था कि अगर अमेठी सीट से यहां पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को उनके घर से हरा देगी तब वो राजनीति से कदम पीछे कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, मगर ये नवजोत सिंह सिद्धू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस जो है अंतक्रल से जूझ रही है। इसका सक्षम लाभ स्थानीय निकास मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को मिल रहा है, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या नहीं, तब तक सिद्धू के भी भाग्य का फैसला नहीं हो पाएगा। लंबे समय से चुप्पी साधे हुए सिद्धू ने ट्वीट कर फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। सिद्धू ने लिखा है कि जिंदगी अपने दम पर जीते हैं, औरों के कंधे पर जनाजा उठता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को बख्शने के मूड में अब बिल्कुल नहीं है। जी हां, राहुल गांधी जिस प्रकार से अध्यक्ष पद छोड़ने की बात पर अड़े हैं, उसे देखकर सिद्धू को लेकर बातचीत सही माहौल नहीं बन पा रही है। कांग्रेस की पंजाब प्रभारी आशा कुमारी का कहना है कि अभी पार्टी का सारा फोकस इस बात पर है कि राहुल अध्यक्ष बने रहते हैं या फिर पद को छोड़ देते हैं। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक पंजाब में भी यश स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि सिद्धू का स्थानीय निकाल विभाग बदला जाए। इसके साथ से ही कांग्रेस में स्थानीय निकाल विभाग लेने को लेकर मोड़ मच गई है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि स्थानीय निकाल विभाग पाने को लेकर 3 मंत्री लाइन में आ चुके हैं, इसमें कई वरिष्ठ मंत्री भी हैं। हालांकि पार्टी
हाई कमान से जब तक हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक मंत्रियों के विभाग में किसी भी तरह का हेयर फेयर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर सिद्धू तो पूरे तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान उनकी लड़ाई स्मृति ईरानी से ताबड़तोड़ जुबानी देखी गई। जी हाँ, ताबड़तोड़ अंदाज में हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी की, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर तमाम चीजों को कहा, वो वाकई ही कहीं ना कहीं खुद भी नवजोत सिंह सिद्धू पर ही सवाल उठा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अगेंस्ट हो चुकी है पूरे तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का इस पार्टी के विभाग को चेंज करने पर फैसला लेना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार ये कांग्रेस के खेमे में ही छेद करती देखी जा रही है।